उमराव जान जैसी सुप्रसिद्ध फिल्म बनाने वाले निर्देशक मुजफ्फर अली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। यूं तो लंबे समय से कोई फिल्म का निर्देशन इन्होंने नहीं किया है, या कहें कि फिल्म माध्यम से बहुत दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में लगातार संलग्न है। यही वजह है कि वर्ष 2014 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो मुजफ्फर जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या वजह है जिनके कारण आप फिल्मों से दूर हुए हैं और सामाजिक गतिविधियों से लगातार जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता देखी जा रही है। एक तो फिल्म मैंने बनाई थी अभी जानिसार के नाम से, जी जो इत्तेफाक से ढंग से रिलीज़ नहीं हो पाई। फुल लेंथ फीचर फिल्म है, लेकिन क्या है कि समाज से जुड़ा रहना कला के माध्यम से हम जैसे कलाकार के लिए और हमारे जैसे और कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है, जी और उसको उस को बेहतर तरीके से पेश करना मुख्तलिफ तरह के फेस्टिवल्स की शक्ल में। जैसे अब हम लोग लखनऊ में वाजिद अली शाह फेस्टिवल करते हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, जी तो उससे एक जो वहाँ की गंगा जमनी तहजीब है अवध की, लखनऊ की, उसको हम सामने पेश करते हैं। किस तरीके से एक माहौल था लोगों का, आपस में जुड़ के रहने का, लोगों की सोच थी, लोगों की कला किस तरीके से सामने आती। जैसे इंद्रसभा है, जी अमानत हसन की लिखी, उसमें तमाम सब होली दिवाली सब चीज़ें उसमें उसका मिश्रण है। फिर वो लाल परी, हरी परी, सब्ज परी और पुखराज परी, ये तमाम सब हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम जी सब उसमें चीज़ें थी। फिर अभी मैंने वाजिद अली शाह का वो एक बैले था, राधा कन्हैया का किस्सा, इसको किया लखनऊ में। तो इस तरीके की चीज़ें करना ज़रूरी है। जी फिल्म तो जाहिर है अपनी जगह पे एक बड़ी चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, जी और उसके साथ समझौता करना भी अच्छा नहीं है, जी लेकिन ये कहना कि मैं फिल्म से दूर हूँ ये गलत है, क्योंकि जी फिल्म एक एक बेहतर तरीका है आइडियाज़ को इकट्ठा करके एक कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े पैमाने पे बड़े मतलब आवाम के सामने पेश करने का। उस पे तो मैं लगा ही रहता हूँ और स्क्रिप्ट्स पे भी काम इसके करता साथ रहता ही हूँ। अब जी हाँ, दूसरी सामाजिक गतिविधियों में उसके भी साथ साथ लगे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा अपना जो जहाँ क्या हम हैं, जो हमारी मिट्टी है, उसकी सेवा करना, चाहे वो हमारा गांव हो या लखनऊ हो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जहाँ हमारी ज़रूरत है एक सद्भावना फैलाने की, एक मोहब्बत फैलाने की, तो वो कला के ज़रिए से कैसे हो सकती है, ये हमारी कोशिश रहती जी है। और जो जिस आप संवेदनशीलता की बात करते हैं या समाज से जुड़ने की बात करते हैं, वह चीज़ आपके सामाजिक सरोकार आपकी फिल्मों में भी देखा जाता है। लेकिन आज की हम फिल्मों को जो देख रहे हैं उनमें ग्लैमर तो काफ़ी है, लेकिन जो सामाजिक संदेश देने की जो जिस तरह की पहले की फिल्मों में हुआ करता था, वैसा सामाजिक संदेश या समाज से जुड़ने वाली फिल्में आजकल देखने में नहीं मिलती। तो ये फिल्मों में आए बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? तो ये आज हर चीज़ को आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आज जी मतलब गहरी फिल्में भी बन रही हैं, मतलब अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, और ऐसी फिल्में बन रही हैं जो चीखती हैं जी कि हमें देखो, जी कपड़ों से चीखती हैं, मेकअप से चीखती हैं, एक्शन से चीखती हैं कि हमें देखिए, और उसको लोग देखते हैं और कुछ हद तक पसंद करते हैं, और उसके बाद उसको बाज़े वक्त रिजेक्ट कर देते हैं, बाज़े वक्त भूल जाते हैं वक्त के साथ। लेकिन मुझे लगता है फिल्मकार का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ उसका इंस्पिरेशन होना चाहिए, और फिल्म को इस तरीके से बनाए कि लोगों के वो खून में दौड़े और वो उसको निकाल ना पाए आसानी से। तो जी ये काम ज़रा थोड़ा जी टेढ़ा होता है, मुश्किल जी होता है, इसके बारे में जल्दी जल्दी काम करने से नहीं वो बनती बात। जी यही बात है। उमराव जान को आज भी हम अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके बेटे भी फिल्मों में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी फिल्में भी एक अंतराल के बाद रिलीज होती हैं। तो क्या कारण है कि आप लगातार फिल्मों में या निरंतरता ना रहने के कारण रहने का कार क्या कारण है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्में आपके लिए साध्य नहीं है, साध्य कुछ और है और फिल्में उस साध्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। यही सही कह रहे हैं आप कि फिल्म जी इज़ अ मीन्स टू एन एंड, जी और जो हमारे जो एंड है जी वो इंसानियत है, वो एक माहौल है, वो सद्भावना है, वो एक गंगा जमनी तहजीब है। फिल्म तो एक समझिए इस संतुलन को कायम रखने का एक जरिया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि फिल्म हमारे लिए तो एक
शोषण के खिलाफ एक आवाज़ है, जी जो सामाजिक शोषण होता रहता है, जो और तरह के शोषण होते हैं जो ना होना चाहिए इंसान के साथ, फिल्म के ज़रिए से उनको आप एक कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि हर एक कलाकार की कहीं ना कहीं यही ख्वाहिश होती है कि वे अपनी कला के जरिए समाज को जोड़ने का संदेश यदि दे पाए, वही उसकी उसके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वह उन कला माध्यमों का प्रयोग करता है। एक और चीज़ जो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप प्रसार भारती से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार जो प्रसार भारती के दो प्रमुख संस्थान हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन, उसकी इस तरह से आलोचना की जाती है कि ये माध्यम का फॉर्मेट समय के साथ नहीं बदला है, जिस कारण ये अधिक लोगों से नहीं जुड़ पा रहा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास किए जाना चाहिए? मुझे लगता है इस पर फिल्म बनाना चाहिए फीचर जिसमें कुछ तो हर आदमी की बेबसी पेश की जाए, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ख्वाब, फिर उनकी बेबसी, फिर हमारे बोर्ड मेंबर्स की बेबसी लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ी संस्था है, एक उसमें बहुत बड़ा एक उमंग है, बहुत बड़े ख्वाब हैं, इनको हमें किसी सूरत से आज की दुनिया से और जोड़ना है, लेकिन समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, इसको बाजारू नहीं बनाना है। लेकिन हर शख्स की कोशिश ये होना चाहिए कि वो अपने काम से लोगों को चौंकाए, अपने काम से लोगों को अपनी तरफ खींचे। किस तरह के सीरियल्स बने, हम लोगों की पैकेजिंग कैसी होना चाहिए, हम लोगों का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। मैं बहुत ख्वाब देखता हूँ, लेकिन अक्सर मैं पाता हूँ कि मैं शायद सब कुछ नहीं कर पाता हूँ जो मैं सोचता रहता हूँ, क्योंकि देर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। हर आदमी बाज़ार कहता नहीं ये तो आपका काम नहीं है, तो मेरा काम है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम इसको उठा सकते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी बात है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उस एक व्यक्ति के विचारों को जब सबका सहयोग मिलेगा तभी हम हमारे वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात कही कि इस माध्यम को बाजारू नहीं बनाने देना है, और यही वजह है कि अपनी लिमिटेशंस के बीच में, कुछ सीमाओं के बीच में इसे कार्य करना है। तो मुजफ्फर जी